हेलो स्टूडेंट्स क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन टूडे वी विल लर्न एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन ट्रेंगल पी क्यू आर हियर पी क्यू आर इज ए ट्रेंगल डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर डी मिड पॉइंट है क्यू आर का दी आर फोर क्यू डी इज इक्वल टू डी आर डी मिड पॉइंट है इसलिए क्यू से लेके डी तक जितना है उतना ही डी से लेके आर तक है अब आगे इसमें जो चीजें हैं देखना ये मिड पॉइंट है पी एम इज एन एल्टीट्यूड जो पी एम है ये सीधे यहां से इस पर शीर्ष लंब है तो इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाए वर्टेक्स से शीर्ष से तो ये एल्टीट्यूड हो गया पी डी जो मिड पॉइंट को मिलाता है वर्टेक्स से शीर्ष से वो कहलाता है मीडियन तो पी डी इज ए मीडियन तो पी डी जो है वो मीडियन हो गया इज इसमें तीसरी चीज पूछी है इज क्यू एम क्यू एम इज इक्वल टू एम आर एम आर तो हमने लिख दिया नो no. क्योंकि एम जो है क्यू आर का मिड पॉइंट नहीं है बिकॉज एम इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर मिड पॉइंट है डी क्यू डी इज इक्वल टू डी आर है ये नहीं है देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड ड्रा रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग ये जो स्टेटमेंट दी गई है यहां पर इनके लिए रफ स्केच हमें रफ डायग्राम बनाना है इन ट्रेंगल ए बी सी ए बी सी हमें ट्रेंगल लेना है जिसमें बीई इज ए मीडियन बी मीडियन होगा तो बी उसका वर्टेक्स होगा ई e जो है वो मिड पॉइंट होगा थर्ड साइड का तो आप देखिए यहां ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया ए यहाँ से लिखेंगे हम ई जो है ए सी का मिड पॉइंट होगा बिल्कुल बीचू बीच में तो बी से लेके ई को मिलाएंगे तो बी इसका मीडियन कहलाएगा तो ये इसका रफ डायग्राम हमने यहाँ बना दिया है दूसरा देखिए इन ट्रायंगल पीक्यूआर ऐसा ट्रायंगल बनाना है हमने पीक्यूआर जिसमें पीक्यू एंड पीआर पीक्यू और पीआर ये दोनों के दोनों आर ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल जो दोनों के दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो इसका डायग्राम देखिए यहां बना हुआ है पी क्यू आर हमें एक राइट right एंगल बनाना है यहां पी लिखना है तो पी क्यू एंड पी आर ये जो है दोनों यहां नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहे हैं पी पर तो ये इसके दोनों एल्टीट्यूड हो गए पी क्यू एंड पी आर क्यू पी एंड आर पी कहेंगे हम इसको अब देखिए अगला पॉइंट इन ट्रेंगल एक्स वाई जेड हमें एक ट्रेंगल लेना है एक्स वाई जेड जिसमें वाई एल इज एन एल्टीट्यूड वाई एल जो एल्टीट्यूड होगा इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रेंगल उस ट्रेंगल के बाहर होगा एक्सटीरियर का मतलब बाहर होगा तो वाई जिस जो, जो है उसका वर्टेक्स होगा तो हमें यहाँ ट्रेंगल हमने यहाँ बनाया है एक्स वाई जेड ये बिना नाप के ट्रेंगल है ये एक्स वाई जेड तो वाई जो वर्टेक्स है यहाँ से हमने एक इसमें एल्टीट्यूड नीचे खींचा है इस लाइन को हमने बढ़ा दिया डॉट डॉट वाली लाइन से इसको भी डॉट डॉट क्योंकि ये इसके एक्सटीरियर में तो इसका एल्टीट्यूड है तो ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन एसोस ट्रायंगल कैन बी सेम एल्टीट्यूड का है सीरसलम को जो ऊपर से होगा अल्टीट्यूड और मीडियन वो दोनों सेम होंगे एक ही लाइन होगी दोनों की तो इसको किस प्रकार से करेंगे देखिए यहाँ हमने एक सिक्स सेंटीमीटर लाइन सिगमेंट खींचा हुआ है पहले से आप इसको थ्री भी खींच सकते हैं फोर भी फाइव भी तो आप देखिए इसका हम कैसे करेंगे पहले तो हम आइसोसल्ट एंगल बनाएंगे इसके इक्वलेंट ये एक भूजा लेंगे ये हमने कंपास लिया है सिक्स सेंटीमीटर ये हमने फर्स्ट आर्क लगाया इस पॉइंट से दूसरा आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे हम इस एंगल का नाम रख देते हैं यहाँ बी सी लाइन सेगमेंट, ये जो पॉइंट आएगा इसका नाम रख दिया हमने ए नाउ ए और बी को हम ज्वाइन करेंगे ये देखिए ए को और बी को हम ज्वाइन करेंगे एंड ए और सी को ज्वाइन करेंगे अब इसका जो यहाँ हमने पॉइंट लिखा है डी ये मिड पॉइंट है बी सी का ये जो डी यहाँ लिख दिया है ये मिड पॉइंट है बी सी का ये सिक्स सेंटीमीटर है तो बी से लेके इस पॉइंट तक थ्री सेंटीमीटर और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इस पॉइंट का नाम हमने डी रख दिया ये भी थ्री सेंटीमीटर तो टोटल सिक्स सेंटीमीटर है तो ये तो अगर हम ए से डी को मिलाते हैं तो ये हमारा जो है क्या कहलाएगा मीडियन ये सारा काम पेंसिल से करना होता है पेन से इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे अब हमें इसका ये तो हमारे पास हो गया इसका मीडियम अब हमें एल्टीट्यूड खींचना है एल्टीट्यूड जो यहाँ से इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाई इस एसोसल्ट एंगल के अंदर ये जो एल्टीट्यूड है ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एसोसट ट्रायंगल में हमें ये दो बुजाएँ बराबर दिखानी है ये और ये हमने यहाँ तीनों भुजाएँ दिखा दी है ये भी ये भी और ये भी हमें ये दो बुझाएं ये दो बुजाएं हमने कोई आप जरूरी नहीं है सिक्स सेंटीमीटर के बराबर ही लें कम भी ले सकते हैं और एक आर किधर से और एक आर किधर से लगाएंगे अब हमें इसका एल्टीट्यूड कैसे करना है ये देखिएगा यहाँ से हम इस ए पॉइंट से कितना लेंगे इस मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा इस प्रकार से हम नीचे चाप लगाएंगे आर्क उसके बाद यहां से एक चार पाव लगाएंगे ऐसे एक यहां से लगाएंगे हम ये दोनों जो हैं यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहां से हम अब इसको मिलाएंगे तो ये वही लाइन आ रही है देखिए आप देख रहे होंगे ये तो ये दोनों के दोनों सेम है ट्रेंगल में ध्यान रखना में दो साइड्स इक्वल होती हैं ये और ये हमने जो ये दोनों बुझाएं लिए इसी के बराबर लिया हम इससे कम भी ले सकते हैं हमने यहाँ ये इस चीज को इक्विलेटर ट्रेंगल के रूप में बना दिया तो पूछ रहा है वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन एसोस ट्रेंगल कैन बी सेम तो हम लिखेंगे यस बोथ आर सेम ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अब देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नॉन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डाइग्राम ये जो एक्स आप देख रहे हैं यहाँ ये एक्सटीरियर है इस ट्रैंगल के इस त्रिभुज के बाहर है ये तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है तो इसके अपोजिट एंगल हैं ये दोनों फिफ्टी एंड सिक्सटी तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को याद रखना है इस प्रॉपर्टी को एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू यानी ये वाला एंगल बराबर होता है टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल किसके इन दोनों के तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सेवेंटी डिग्री प्लस फिफ्टी डिग्री तो सेवेंटी प्लस फिफ्टी वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री अब हमें ये प्रूफ करना है कि एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर है तो देखिए यहाँ हम बताने जा रहे हैं आपको ये सेवेंटी डिग्री है ये देखिए हमने एक कार्ड का टुकड़ा लिया छोटा सा जो 70 डिग्री इसी के इक्वल है इस एंगल के बराबर है 70 डिग्री आप देख रहे होंगे यहां 70 डिग्री है ये दूसरा ये 70 डिग्री दूसरा ये है 50 डिग्री जो ऊपर बना हुआ है ये 50 डिग्री है अब इन दोनों का जो सम है वो एक्स के इक्वल है तो हम इन दोनों को यहां रखेंगे सेवेंटी डिग्री एंड फिफ्टी डिग्री जो एक्स एंगल को के इक्वल है ये देख रहे हैं आप यहां पर जो एक्स एंगल है ये इन दोनों के इक्वल हो गया इन दोनों का तो आप ये समझ गए होंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है जो ट्रैंगल के बाहर जो एंगल होता है वो सम इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है यहां आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो इसी प्रकार हमें सभी इन सभी पार्ट्स में इसी तरह से करना है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इस प्रॉपर्टी को याद रखें तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सिक्सटी फाइव डिग्री प्लस फोर्टी फाइव डिग्री ये हो जाएगा वन हंड्रेड टेन फाइव और फाइव टेन की जीरो कैरी वन सिक्स और फोर टेन और वन इलेवन तो ये आएगा वन हंड्रेड टेन ये आंसर हो गया एक, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई यहां एक्स की वैल्यू यहां देखिए इसका तीसरा पार्ट एक्स की वैल्यू थर्टी प्लस फोर्टी डिग्री ये एक्सटीरियर है इंटीरियर है थर्टी प्लस फोर्टी डिग्री थर्टी प्लस फोर्टी सेवनटी डिग्री ये इसका आंसर आ गया अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू तो एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी ऊपर थी हमने उसी को इन्वर्स किया है क्या इन्वर्स किया है जो बाद में था इक्वल टू यहाँ देख रहे हो आप इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ये सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है ये हमने पहले लिख दिया सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इसके बाद इक्वल टू ये इक्वल टू का साइन हो गया और एक्सटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल इसी का इन्वर्स है अब ये ऐसा क्यों लिखा है? हमने एक्स यदि बाहर होगा ट्रैंगल के बाहर होगा तो एक्सटीरियर एंगल पहले लिखेंगे यदि x ट्रेंगल के अंदर होगा तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल हम पहले लिखेंगे तो x अंदर है तो डियर फोर एक्स प्लस फिफ्टी डिग्री इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टीन डिग्री अब x की वैल्यू क्या होगी वन हंड्रेड फिफ्टीन डिग्री फिफ्टी डिग्री इस साइड में आएगा तो माइनस फिफ्टी डिग्री तो x की वैल्यू हो जाएगी सिक्सटी फाइव डिग्री यहाँ ये x की वैल्यू आ गई जो इसके इंटीरियर में है अगला पार्ट देखिएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है x 70 जो ट्रायंगल के अंदर है और इसके अपोजिट हैं इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल लिखा है पहले से एक्सटीरियर एंगल हो गया 100 डिग्री x की वैल्यू 100 डिग्री माइनस ये 70 डिग्री राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स की वैल्यू 70 माइनस थर्टी नहीं 100 माइनस सेवेंटी थर्टी डिग्री तो एक्स की वैल्यू होगी 30 अब इसका अगला पार्ट देखिए वही ऑफ अपोजिट एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल यहाँ एक्स प्लस ये यह जो यहाँ सिंबल बना हुआ है स्क्वायर सा छोटा सा ये 90 डिग्री होता है एक्स प्लस नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू तो एक्सटेरियर एंगल एक्सटेरियर एंगल है 125 और अथवा या x की वैल्यू 125 माइनस 90 डिग्री तो इसमें से हम इसको सप्रेट करेंगे तो आएगा 35 डिग्री तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ आ चुकी है तो आपके 6.1 और 2 इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको खुद करें घर पर प्रैक्टिस करें और ये दो एक्सरसाइज यहाँ पूरी हो चुकी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में Thanks for watching.